हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपाची 200 सीसी की पिस्टन ब्लॉक किट की। ये बॉक्स देखिए, टीवीएस का जेनुइन बॉक्स है ये, जिसकी एमआरपी है 2469। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमआरपी है 2469। और ये है अपाची 200 का, यहाँ पे मेंशन भी हो रखा है प्रोडक्ट किट, सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन RTR 200। इसके अंदर मेंशन है कि क्या क्या सामान इसके अंदर है। एक ब्लॉक है 200 सीसी का, एक पीस पिस्टन है, एक गैस्केट है, एक और गैस्केट है दोबारा से, जिससे कि ये पूरी कंप्लीट ब्लॉक किट असेंबली बनती है। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। गैस्केट है, जैसा कि बॉक्स में मेंशन था, एक गैस्केट, ये हेड की गैस्केट है और ये सिलेंडर की गैस्केट है, हेड सिलेंडर। इसे जैसे है वैसे ही रख देंगे, इसे नहीं छेड़ेंगे, बॉक्स को साइड करेंगे। अब खोलते हैं, ये पिस्टन की पिन है, कुछ इस तरीके से पिन होती है। ये पिस्टन की पिन है जो कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ती है। ये पूरा ब्लॉक है, ये पिस्टन है, ये हम बाहर निकालेंगे। ये होता है अपाची 200 का पिस्टन। ये रिंग इसके ऊपर लगी हुई है और यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ नाम मेंशन है, पिस्टन किस कंपनी का दिया हुआ है। टीवीएस ने उषा कंपनी का पिस्टन दिया हुआ है इसके अंदर। ये देखिए, USHA उषा। और ये ब्लॉक हो गया पूरा। यहाँ टाइमिंग चेन टेंसनर टाइट होता है, जो टाइमिंग चेन के गाइड को टाइट करके रखता है ताकि टाइमिंग चेन आवाज़ ना करे। ये टीवीएस का मार्का दे रखा है इस पे, पिस्टन की ब्लॉक किट पर। और यहाँ पार्ट नंबर है N901130। TVS अपना मार्का देता है और पार्ट नंबर भी। तो देख लिया आपने कि अपाची 200 की सिलेंडर किट कैसी होती है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और नई अनबॉक्सिंग के साथ। गुड बाय।